चैनल माइंडर साइंस, आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने परसों जो वीडियो डाली थी, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स उसका मुझे मिला। थैंक यू फॉर ऑल माई व्यूअर्स हु हैव वॉच्ड दिस एफर्ट्स मेड बाई मी। ये जो मैंने एफर्ट्स करे थे, आप लोगों के वो पसंद आया और बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं। तो आइए एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मैं आपके साथ, छोटी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। कि वैसे तो मैंने बताया था कि प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश करने की थी मेरी आइडिया, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो सका क्योंकि मेरा थोड़ा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी रहने के कारण। लेकिन फिर भी मैं आपको बारीकियाँ थोड़ी सी समझा दूँगा कि कैसे कैसे करना है। गूगल मीट के बारे में आपको जैसा मैंने थोड़ा सा बताया था, गूगल मीट आपके गूगल जैसे ही आप गूगल मेल वाला जब गूगल खोलते हो तो साइट पे ही आपके पास डॉट 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 आ जाता है, वहीं पर ही आपने जब क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपका गूगल मीट आ जाता है। तो गूगल मीट में जब वो लिंक भेजेंगे कॉलेज वाले, तो आपने उसको एडमिट करना है और उसके बाद आपने गूगल मीट आपका पूरे 3 घंटे पेपर में ऑन रहेगा। कुछ कन्फ्यूजन थी, व्हाट्सएप कैसे कॉलिंग आनी है, वो सब बातें थी। अब जैसा थी इंस्ट्रक्शंस, मैंने बिल्कुल प्योरली अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी मैंने वीडियो बनाई थी। मैंने उसमें कोई चेंजेस नहीं करे, मैंने कोई अपनी तरफ से कोई बात ऐड नहीं करी। जो डायरेक्शंस थी वही मैंने आपको बताई। पेज का भी उन्होंने डायरेक्शन दिया कि A4 साइज होना चाहिए। अब मैं धीरे धीरे दोबारा आपको सारा समझा देता हूँ। अब जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है आज आई है सुबह, जो कमेंसिंग हो रही है, तो उसका एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आया है, उसके बारे में मैं पूरा पढ़कर आपको, यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन है, आप नोटिस जाकर चेक कर सकते हैं साइट के ऊपर, वो पढ़ाऊंगा। और दूसरा, मैं पेपर कैसे डाउनलोड करना है ये भी आपको थोड़ा बताऊंगा। इसके बारे में भी काफ़ी आशंकाएँ हैं हमारे बच्चों के बीच में। पहली बार ये यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र पेपर ले रही है ऑनलाइन, और ऑनलाइन में आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को। नेट की अवेलेबिलिटी का चक्कर पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अब इसमें क्या करें, कोरोना काल के कारण, हमारा कोविड के कारण, अब ये जैसा इंस्ट्रक्शन हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट से आया कि भाई एग्ज़ाम्स लेने हैं, उसके बाद UGC ने कह दिया, गाइडलाइंस डाल दी कि भाई फाइनल ईयर के बच्चों को ऐसे पास करना ठीक नहीं रहेगा, आप उनको उनके पेपर लें। अब पेपर की डेट आ चुकी है, कल सुबह सभी पेपर आपके होने हैं, अभी सभी का ऑनलाइन मोड से होना है। और वो जिन बच्चों ने ऑफलाइन मोड एप्ट किया है, तो वो तो जाके कॉलेज में उसी तरीके से पुराने ढंग से ही पेपर देंगे। उनके लिए तो हमारा ये स्पेशल नहीं रहेगा, ये हमारे उन बच्चों के लिए है जो पहली बार एक्सपेरिमेंट के रूप में जो सरकार हमारी कर रही है, ऑनलाइन परीक्षा कैसे होंगे उसके बारे में हम इसकी चर्चा करेंगे। ये हमारा स्पेशल रिव्यू रहेगा सेशन ऑनलाइन पेपर्स के बारे में। तो मैं आपको बता रहा था कि गूगल मीट के बारे में बताया, व्हाट्सएप आपको पता है यूज़ करना आता है, वीडियो कॉलिंग से आपको पता है, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब जो टू दी पॉइंट मैं शॉर्ट में आपको ब्रीफ कर देता हूँ, A4 साइज़ का पेपर होना चाहिए, जो हम कंप्यूटर में जब शीट करते हैं, ऊपर आपके टाइप वाले आ चुके हैं मार्केट के अंदर, आपने वो ले लिए होंगे। 20 का पैकेट है, 20 पेजेस आप यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम 20 यूज़ कर सकते हैं आप। अगर किसी का 15 पे में अगर उसके हाफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाते हैं तो उसके 15 पेपर होंगे। और अब जो इंस्ट्रक्शंस आई है, मैं वो आपके साथ साझा कर देता हूँ, आपके साथ शेयर कर देता हूँ। VC की तरफ से रिकमेंडेशन आई है, स्टैंडिंग कमेटी हैज़ अप्रूव द फॉलोइंग गाइडलाइंस फॉर द स्मूथ कंडक्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन कमेंसिंग फ्रॉम 10 टुमारो। तो सबसे पहला जो इसमें नोटिस है, द क्वेश्चन पेपर विल बी सेंड टू ऑल द प्रिंसिपल डायरेक्टर्स ऑफ द कॉलेजेस इंस्टीट्यूट एफिलेटेड विद कुरुक्षेत्र थ्रू ईमेल एट 9:45 AM। 10:15 यूनिवर्सिटी अपने पेपरों को रिलीज कर देगी प्रिंसिपल्स के पास इन द मॉर्निंग सेशन के लिए, और इवनिंग सेशन के लिए 1:45 10:45 AM। द प्रिंसिपल डायरेक्टर्स विल ऑल्सो सेंड द क्वेश्चन पेपर टू द कंसर्न स्टूडेंट एट 10 AM। अब प्रिंसिपल्स की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं डायरेक्टर्स की, वो हर बच्चे को उनके जीमेल आईडी, जो भी आईडी उनकी बनी है, जीमेल जैसा भी, जो भी आईडीज हैं, मैं आईडीज की बात कर रहा हूँ, जो भी जहाँ पर भी उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, तो वहाँ पर उनके साइट पे क्वेश्चन पेपर चला जाएगा। और 2:00 शाम वाले बैच का 2:00 कंडक्ट ब्रांच विल ऑल्सो कंडक्ट ए डेमो टू सप्लाई द क्वेश्चन पेपर थ्रू ऑनलाइन मोड ऑन 8th
ये हो चुका है, 12:30 बजे उन्होंने कंडक्ट कर लिया है, ये वो अपना डेमो एक बार कर चुके हैं। और उसके बाद थर्ड पॉइंट है, 2 team of observer विल अपॉइंटेड इन ईच डिस्ट्रिक्ट विल रैंडमली चेक द ओवरऑल अरेंजमेंट फॉर द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन इन द कंसर्न कॉलेजेस। 3 teams विल बी अपॉइंटेड फॉर यमुनानगर, अम्बाला एंड करनाल। तो ये 3 observers की टीम रहेगी, जैसे फ्लाइंग टीम्स रहती थी हमारी, ऑब्जर्वर्स की टीम रहती थी जो कॉलेज के अंदर जाकर पेपर्स का जो कंडक्शन है वो चेक करेगी। प्रोटेक्टिंग इवेल्युएशन विल बी डन बाय यूजिंग द लैपटॉप डेस्कटॉप ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। द स्टूडेंट विल सबमिट द सॉफ्ट कॉपी ऑफ देयर आंसर बुक इन PDF फॉर्मेट, प्रेफरेबली बाय यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट लेंस, Adobe स्कैन या VFLAT एक्सेट्रा। देखो बेटा, यहाँ पर कल पहले भी कन्फ्यूजन थी, मैंने अपनी चैनल के माध्यम से भारत स्कैन का नाम लिया था तो काफ़ी बच्चों ने कमेंट पूछा था। अब देखो, जो भी आपके पास स्कैनर अवेलेबल है, अब नए के चक्कर में तो पढ़ना नहीं है आपने, जो भी स्कैनर अवेलेबल है उससे आप स्कैन करके PDF फाइल बनाकर, जिससे PDF फाइल आसानी से बन जाते हो, उससे आपने जीमेल करनी है उनको सॉफ्ट कॉपीज आपके आंसर शीट्स की। पेजेस को बड़े ध्यान से करना है, कई बार क्या होता है जब हम क्लिक करते हैं तो आधा पेज कट जाता है, तो क्रॉप ध्यान से करना है, टाइम लगाना है, ध्यान से करके फिर PDF बनाकर एक एक पन्ने को चेक करना है और उसके बाद फिर आपने उसको सेंड करना है। अदरवाइज क्या होगा, अगर कोई क्वेश्चन कट जाएगा तो आपका एग्जामिनर उसके नंबर काट देगा। तो इसके लिए इन्होंने बताया है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस, Adobe स्कैन और VFLAT, इनके ये प्रेफरेबली ये यूज़ करने उन्होंने कहा है कि हो सकता है उनकी अपनी गाइडलाइंस के हिसाब से कि ये कोशिश करना है। मैं आपको अपने मोबाइल पे Adobe स्कैन दिखा दूंगा कि कैसे अपलोड किया हुआ है, उसकी पिक्चर आपके साथ सेंड करके शेयर कर दूंगा, इस वीडियो के एंड में ऐड कर दूंगा लास्ट में, तो आप देख लेना वो उसको स्कैनर को आप कर लें। बाकी जो मैं फिर कह रहा हूँ, ज़्यादा चक्कर में मत पड़ें, टेंशन मत लें, कई बच्चे वीडियो देखने के बाद टेंशन में आ जाएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, पेपर की अपनी तैयारी रखनी है, तो ये सब एक सेकेंडरी इश्यूज़ हैं। तो ये आपके पास जो भी स्कैनर है, जिसके पास भी जो स्कैनर है उससे कर लें, ये नहीं कि मैंने जैसे बोला था भारत स्कैन, मैंने इसलिए बोला था भाई अपने देश का स्कैनर है इसलिए मैंने भारत स्कैन की बात की थी, तो बीइंग इंडियन तो इंडिया में बना हुआ ऐप है उसके बात की थी, लेकिन जो भी आपके पास स्कैनर है उससे आपने कर लेना है, PDF फाइल बनानी है। और ये थी अदर गाइडलाइंस इशूड अर्लियर एडर टू द स्ट्रिक्ट, अदर काफ़ी बड़ी गाइडलाइंस रही थी। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जो हमारे प्राइवेट बच्चे हैं उनको जो पेपर जहाँ से उन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है वहीं से उनका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड होगा, जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं। और जो हमारे रेगुलर बच्चे हैं, रेगुलर बच्चे को तो डायरेक्टर या प्रिंसिपल, जो भी उनके हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन है, वो ही उनके जीमेल आईडी पे उनको पेपर सेंड करेगा, तो वहाँ से आपने पेपर डाउनलोड मार लेना है, डाउनलोड निकालने का प्रिंट करने के बाद फिर आपने पेपर करना है, फिर पेपर करने के बाद आपने अपलोड कर देना है। और एक और महत्वपूर्ण सूचना, पेपर करते हुए ब्लैक और ब्लू पेन का ही प्रयोग करना है, मैंने अपनी वीडियो में बताया था, ब्लैक पेपर से आपने यूनिट बता लिख देनी है, उसके क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन को ब्लैक से लिखना है और आंसर जो है ब्लू पेन से अटेम्प्ट करना है। डू नॉट यूज़ एनी अदर मटेरियल, अदर कलर इंक्स तो ऑन दैट, पेंसिल से डायग्राम्स बनाने हैं। मेरे पास अभी काफ़ी कमेंट्स आए हुए हैं, कमेंट्स मैं नहीं अभी आंसर रिप्लाई कर पाया, अभी करूँगा कोशिश जाके, एक ही साइड में लिखना है, ओनली वन साइड, दूसरी साइड इसलिए नहीं लिखनी, जब PDF फाइल बनाते हैं तो चीज़ जो है वो उभर कर बाहर आ जाती है, इसलिए आपने अवॉइड करना है, सिर्फ ओनली वन साइड आपने रिटर्न करना है, A4 साइज़ का होगा, हर शीट के ऊपर आपने पहले शीट पे तो सब कुछ आपको 8 डिटेल्स बताई थी वो लिखनी है, और वो प्रिंटेड ही हैं, जो शीटें लेके आए होंगे आप बाज़ार से, मार्केट में अवेलेबल है, स्टेशनरी जो बच्चा नहीं ला सका है या वो अपने पेजेस पे कर रहा है तो वो कर सकता है, कोई बात नहीं, हाथ से लिख लेना, पहले लिख के तैयार कर लेना, और सब हर आंसर पेज के ऊपर सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट लिखना है, और लास्ट में सिग्नेचर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। हर शीट के ऊपर आपने पेजिंग कर देनी है, पेज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 तक आपने कर सकते हैं, और हर पेज पे लास्ट में आपने अपना सिग्नेचर करना है और ऊपर अपने पेपर का कोड और वो सारा लिख देना है। तो जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, ये आपके साथ बताई, गूगल मीट के बारे में बताया, व्हाट्सएप के बारे में बताया, लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन आज जो नोटिस निकला है लेटेस्ट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ माई डियर साइंस। इसी तरीके से चैनल के साथ जुड़े रहें और इसी तरीके से आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाते रहें। जैसा कोई भी अपडेट आएगी
कल जैसा पेपर होता है, क्या रिस्पॉन्स मिलता है, कैसे ऑनलाइन बच्चे करते हैं, कितने परसेंट बच्चे सक्सेसफुल होते हैं, कितना कर पाते हैं, वो सारी रिपोर्टिंग जो है मैं आपको शाम को फिर से चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।